गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं ये अकाउंटिंग का पास्ट 3 ईयर के पेपर। आप लोगों को यहाँ पे इस पेपर में बहुत सारा मिलने वाला है, जैसे कि एग्जांपल ये देखिए, ये है क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2016 का। आप लोग देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये, आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से आया हुआ है। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी एक सम आया हुआ है यहाँ पे कि सन ट्रांसपोर्ट ऑपरेट। डियर फ्रेंड्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को इसको ऑप्शन में प्लीज़ मत डालना, बिकॉज कि यह इतना इजी है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। बस हमारा यही चैप्टर बाकी है जो कि मुझे कवर कराना है आप लोगों को, तो वो मैं करवा दूंगी। एंड कैश बजट का एक और सम करवाऊंगी जिससे कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड में क्या है तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता दी हूँ, उसका भी एक वीडियो अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ ऑपरेटिंग का तो भूल के भी मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ईजी है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए आपको तो आप कर लोगे कैसे भी क्वेश्चन आए। ओके तो मैं ये आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वन में ऑपरेटिंग कॉस्ट का से रिलेटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब होता है सर्विस कॉस्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है वन। देन उसी के ऑप्शन में आया है मटेरियल लेबर एंड नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन, कैलकुलेट द मटेरियल वेरियंसेस। इट मीन्स कि उसके ऑप्शन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया है, आप लोग देख रहे होंगे 15 मार्क्स का। ओके तो आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से पेपर करना है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। बस आप ये देखो फिलहाल कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे कौन से चैप्टर से रिलेटेड आया है, डायरेक्ट मटेरियल है, देन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बोला है, फिक्स फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 2017-18। फ्लेक्सिबल बजट ऑलरेडी मैंने कवर कराया है, 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं फ्लेक्सिबल बजट के, आप उनको देख सकते हो। ओके एंड कैश बजट बोला है, फ्लेक्सिबल बजट के उस ऑप्शन में कैश बजट आए। इट मीन्स वॉट कि आपका जो बजटरी कंट्रोल है उसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, या फिर उसके ऑप्शन में कैश बजट आ सकता है, तो दोनों में से आपको लिखना है। मैंने दोनों सिखाया हुआ है, जो ईजी लगेगा आप उसको अच्छे से कर लेना, मेरे ख्याल से वीडियोज़ को देख लेना और मैंने क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए थे उनको सॉल्व कर लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 आया है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में उसके आया हुआ है कि अरिहंत 25,000 गैस लूम हैविंग अ सेलिंग प्राइस, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग से आया है। इट मीन्स वॉट कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये दोनों में से उसी चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ है। इसके ऑप्शनल में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो दूसरा कर लो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी मैं आपको इजी वे में पढ़ाऊंगी, तो आज जो वीडियो अपलोड होंगे वो मार्जिनल कॉस्टिंग से भी रिलेटेड होंगे एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी। जितना होगा उतनी जल्दी सारे वीडियोस कवर करा दूंगी, इजी वे में बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों का पेपर में कोई भी हार्ड और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दोनों में से अगर कुछ भी आते तो आप सॉल्व करके ही आओ, छोड़ के मत आना। ओके देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि फिक्स कॉस्ट आर फिक्स, तो आप लोग ने अगर कर लिया रहेगा अच्छे से, थ्योरी भी मैं आपको कवर कराऊंगी, तो जो भी अगर आपने कर लिया रहेगा तो आप लोग इसको इजीली फिलअप्स को कर लोगे कवर। ओके नेक्स्ट है हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है अक्टूबर का, तो ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी देखो 15 मार्क्स का क्या आया था क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल में। पहली बात तो ऑप्शनल में 7 मार्क्स का ये आया हुआ है एंड फिलअप्स आया है, और ये अगर आप लोग को फिलअप्स नहीं आते, आप लोग नहीं कर पा रहे फिलअप्स, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, इजी वे में पूछा गया। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, क्या कहते हैं इसे, इसके फॉर्मूलाज क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से अगर आपने समझ लिया है तो आप ये लिख के आ सकते हो शॉर्ट नोट में। अभी आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओवरहेड वेरिएंसेस क्या होता है, ओवरहेड वेरिएंसेस क्या होता है, देन मटेरियल वेरिएंसेस में से ही आया हुआ है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही थ्योरी का आया हुआ है।
और नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर बजटरी कंट्रोल। क्यों बजटरी कंट्रोल नीड है, क्यों जरूरत है बजटरी कंट्रोल की? ऑफ कोर्स हम लोग पहले तो सेल्स कर, सेल्स में फिर पार्ट होते हैं प्रोडक्शन करना, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको थ्योरी चैप्टर में, ओके। एंड फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? अभी ये फ्लेक्सिबल बजट भी बजटरी कंट्रोल से आया हुआ है, मतलब कि बजटरी कंट्रोल को आपको अच्छे से थ्योरी भी समझ के लेनी है। और मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑफ होटल, होटल अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब कि सर्विस का कॉस्ट। अभी होटल में रूम का चार्जेस होगा, ये वेरियस वेरियस चार्जेस होंगे, तो क्या होता है, किस तरीके से चार्जेस लगाते हैं, किस तरीके से कॉस्ट निकलता है, इसका अकाउंटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, एक बार आपको समझने की है। मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट नोट्स आपके कवर करा दूँ, वीडियो अपलोड करूँगी, ट्राई करूँगी कि बिफोर योर एग्ज़ाम जितना उतना जल्दी कर दूँ, एग्ज़ाम के एंड तक वीडियो हमारे देखते रहना। जब ये वीडियोस कुछ ही सेकंड के हैं तो हो सके तो डाउनलोड कर लेना, जब ट्रैवलिंग करो जहाँ पे भी जाओ तो कुछ टाइम के लिए 6 मिनट 7 मिनट के लिए टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है बहुत। क्योंकि कभी कभी हम जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, लेकिन जो सुन लेते हैं वो बहुत याद रहता है। तो इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अगर चाहते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ, अगर आपको मेरी तरफ मेरी हेल्प से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट है हमारा May 2017 का क्वेश्चन। अब ये May 2017 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या आया है कि इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट शोविंग एनुअल कॉस्ट टू मेक प्लेट्स, ओके, डिसीजन मेकिंग करके आया हुआ है। तो ये किस चैप्टर का है? मैनेजर डिसीजन, शायद से मे भी शायद से उसी चैप्टर का है। इतना बड़ा है कि आप देखते ही बोलोगे कि इसको छोड़ देते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके ऑप्शन में आया हुआ है कि फ्लेक्सिबल बजट आया है मे भी, ये नो नो नो, मार्जिनल कॉस्टिंग का पीवी रेशियो बनाना है, ब्रेक इवन पॉइंट करना है, तो ये आया है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को ऑप्शनल में नहीं छोड़ सकते, याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग को प्लीज़ ऑप्शनल में मत छोड़ना। क्योंकि हमने अभी जो प्रीवियस एनालाइज किया और अभी एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, इग्नोर, तो ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, तो ये किस किस टॉपिक से रिलेटेड है ये भी देखना है आप लोगों को, ओके। मुझे लगता है कि ये मैनेजर डिसीजंस टॉपिक से आया हुआ है, चेक करके फिर हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे October 2016 का क्वेश्चन। अब ये October 2016 का तो हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट ये May 2017 का जो ये पेपर है, ये देखिए Question number 2। अब ये Question number 2 क्या बोल रहा है, बजटेड फॉर द प्रोडक्शन 10,000 यूनिक फर्निश इतना किया है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देख रहे हैं। अभी यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आया है तो आपको सॉल्व करना है। ये भी फ्लेक्सिबल बजट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है टिबेट कॉरपोरेशन परमिटेड रन बस करपी, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड आया Question number 3। और उसी के ऑप्शनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया, इट मींस कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आ जाता है पेपर में तो आप समझ लो कि आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में है। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आप इजीली कर लोगे, ओके। और आई थिंक मैंने इसका सम करवाया हुआ है आप लोगों को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चेक जरूर करना M.Com Part 1 में, ओके। एंड देन Question number 4 में, और यहाँ पे अगेन देखो आप मार्जिनल कॉस्टिंग आया हुआ है शॉर्ट नोट में, इट मींस कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ओके। मास्टर बजट क्या होता है, सारे बजट का मास्टर होता है, तो इसलिए उसको मास्टर बजट। अब वो कौन से बजट है, वो बजट हो सकते हैं कैश फ्लैक्सीबल एंड सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, देन और भी बहुत सारे बजट है, तो उन सब का जो मास्टर है वो मास्टर बजट है। तो ऐसा जब हम करेंगे तो देखेंगे प्रॉफिट वेरिएंसेस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट नोट के वीडियोस आप लोगों को पूरा प्रोवाइड कर दूँ होल, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है, ओके, ताकि शॉर्ट नोट आप इजीली अटेंड कर सको।
तो ये था हमारा मई का पेपर। अभी नेक्स्ट पेपर है हमारे पास नवंबर 2017 का। अभी ये नवंबर 2017 के पेपर में देखो आप लोग की कौन किससे रिलेटेड आया है। कैश बजट आया है इसमें, पहला ही क्वेश्चन कैश बजट से रिलेटेड दे दिया गया है। ओके देन नेक्स्ट बोला है आपको क्वेश्चन नंबर वन, उसी के ऑप्शनल में बजट से ही रिलेटेड है। इट मीन्स कि बजटरी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज कि अभी जो दो पेपर हमने एनालिसिस किए वहाँ पे हमको यही समझा कि दो पेपर को अच्छे से करके जाना है, थ्योरी प्लस सम। ओके देन नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ मोटर बाइक, यहाँ पे कुछ मटेरियल वगैरह दिया हुआ है। देन नेक्स्ट कैलकुलेट बोला है कि मोटर बाइक वुड बी मैन्युफैक्चर टिप, अभी ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लोग को मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनुअल बोला है ब्रेक के वे ब्रेकअप, देन फॉर द पर्पजेस ऑफ किससे रिलेटेड है, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप डर ही जाओगे, बोलोगे मैम इतना हार्ड है। डोंट वरी, जो मैं आपको सम करवाती हूँ उसको करते जाओ, और भी कुछ क्वेश्चन दूंगी उनका करके ही जाना और अच्छे से समझ के जाना, आ जाएगा। जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करोगे सॉल्व करना आ जाएगा, तो याद रखना थोड़ा बहुत। देन नेक्स्ट है एलिजेंट टूरिस्ट, टूरिस्ट स्पेसिफिक रूट कवरिंग टोटल डिस्टेंस, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हो ही गया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कर लो, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब हमारा ये मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना चाहिए। तो मैनेजर को स्किप कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई भी स्किप मत करना क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, जो इजी लगे वही क्वेश्चन करो, स्किप मत करना। ओके नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसमें अगेन कुछ न्यू दिखा है। पीवी रेशो मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड आया है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है तो इजीली फार्मूला डाल देना, फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस क्या होता है वो डाल देना, वेरिएंसेस मीन्स क्या है अच्छे से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देन इन यूनिट होटल कॉस्टिंग कॉस्ट सेंटर लिंक बिटवीन परचेस प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट क्या है लिंक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो 3 साल के पेपर हैं, 4 साल के जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप लोगों को इन पेपर्स को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। और ये पिछले साल के पेपर है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी हर चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस कर लेना, मे भी हो सकता है कि इस बार इजी आ जाए, तो वो चैप्टर से रिलेटेड मैं अलग ही क्वेश्चन दूंगी तो आप लोग उनको सॉल्व कर लेना, और ये पेपर्स हैं इनको सॉल्व ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जितना उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन क्लिक कर देना फॉर न्यू वीडियोस के लिए, अगर आप लोग डिमांड करेंगे उसी हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगी। अकाउंटिंग का इसलिए मैंने वीडियो बनाया बिकॉज कि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड थी इसलिए मैंने उसको पूरी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना रहेगा तो कमेंट जरूर बोल करना। थैंक यू सो मच।